तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में पेटीएम अकाउंट बनाकर कैसे किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और कैसे आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। तो वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना होगा। चलिए तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेटीएम को ओपन कर लिया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल सा वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो आपके जो भी बैंक में यहाँ पर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। एंड आपके पास मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर पेटीएम अकाउंट बना पाओगे। उसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर अकाउंट बनाकर यूज कर सकते हो। तो इतना सारा है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होगा और आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है। तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा UPI पेमेंट सेटिंग। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे बैंक का नेम आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो भी बैंक नेम है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर फिर भी यहाँ से नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। तो आप लोग का जो भी बैंक है यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर NSDL है। तो अकाउंट देने के बाद यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक OTP आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड का 6 डिजिट यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मंथ और एक्सपायरी मंथ है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक OTP आएगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपका जो भी पिन बनाना चाहो, यहाँ से आप लोग अपना पिन बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, शायद ब्लैक कलर में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको अपना पिन बना लेना है। पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक बैलेंस चेक हिस्ट्री। तो सिंपल सा अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करते हो, तो मेरे मोबाइल नंबर पर इतना सारा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया था, उसके बाद यहाँ पर जो आपने पिन बनाया था उसी को यहाँ पर डाल देना है एंड आपका पिन यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अब किसी को पैसा यहाँ पर पेमेंट करना है, तो सिंपल सा पैसा पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट बार कोड स्कैन करके भी पैसे को पेमेंट कर सकते हो, या यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, बिजली बिल पेमेंट करना है तो कर सकते हो, DTH का रिचार्ज कर सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे एंड जिसको भी यहाँ पर जिस नाम से आपने सेंड कर रखा है, उसके बाद उसको इस पर क्लिक करेंगे। सिंपल सा मैंने इस पर काफ़ी रुपए भेज रखा है। तो सिंपल सा यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अमाउंट आपको डाल देना है एंड प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ से 1 रुपये के पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो पिन बनाया था उसी पिन को यहाँ पर डाल देना है और आपका पैसा यहाँ पर सेंड हो जाएगा। तो किस इस प्रकार से यहाँ से पैसा सेंड कर सकते हो एंड यहाँ से आप लोग पैसा भी कमा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रेफर विन। तो सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउ टू रेफर पर क्लिक कर देना है।
या किसी को यहाँ पर व्हाट्सएप भी डायरेक्ट लिंक भेज देते हो, या यहाँ से लिंक कॉपी करके भी शेयर करते हो और वो आपके लिंक से बंदा डाउनलोड करके इसमें डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाता है और किसी को आपको 1 रुपया सेंड कर देता है तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे और उस बंदे को कुछ ना कुछ रिवार्ड में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन से पैसा भी कमा सकते हो, अगर यहाँ से आप लोग पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसा कमा भी सकते हो। तो इस तरीके से इसमें पैसा कमाया जाता है, क्या आपको पहले पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका अकाउंट ऑलरेडी बन गया होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एक बार कमेंट करके ज़रूर देखना।